राजधानी के चौमू कस्बे में एक अजीब वाकया सामने आया है। एक ऐसा उद्घाटन समारोह यहां पर देखने को मिला कि जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बीजेपी को ताले तोड़कर उद्घाटन करना पड़ा। दरअसल पूर्ववर्ती सरकार के बजट घोषणा के तहत 30 लाख की लागत से जलदाय विभाग के पास आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया गया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया और रविवार को इसका उद्घाटन होना तय किया गया था। और इसके लिए आपको बता दें कि नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत ने नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ पवन कुमार को उद्घाटन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन ईओ पवन कुमार ने उद्घाटन प्रक्रिया के लिए चेयरमैन को उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश लेने की बात कहकर उद्घाटन को रोक दिया था। और साथ ही आपको बता दें कि ईओ पवन कुमार के आदेश पर पालिका प्रशासन ने उद्घाटन के बजाय आधुनिक शौचालयों के ताले लगाकर बंद कर दिया। रविवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं और साथ ही विधायक रामलाल शर्मा ने आधुनिक शौचालय का ताला तोड़कर उद्घाटन कर दिया। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान वसुंधरा जी के कार्यकाल के अंदर 30 लाख रुपए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत कराए गए थे और पूर्ववर्ती सरकार के समय इसका कार्य प्रारंभ हो चुका था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से उस समय उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। और अब करीबन एक डेढ़ महीने से लगातार आम जन ये कह रहा था कि साहब जब सुलभ शौचालय बनकर तैयार है तो इसका शुभारंभ क्यों नहीं करते। नगर पालिका अध्यक्ष सही बात होती, मैंने कहा कि भाई इसका आप शुभारंभ कराएं, लेकिन राज्य सरकार जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, एक लोकतंत्र के अंदर ऑटोनोमस बॉडी नगर पालिका है और ऑटोनोमस बॉडी नगर पालिका होने के बावजूद अध्यक्षीय अधिकारों का हनन जिस प्रकार से राज्य सरकार कर रही है वो अनुचित है। और दूसरी बात कि ये नौबत क्यों आई, नौबत इसलिए आई कि जन भावनाओं को देखते हुए अगर कोई चीज़ सरकार ने बनाई है लेकिन जिस उपयोग के लिए बनाई है वो उपयोग के अंदर आएगा। प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत मुख्यमंत्री बजट घोषणा में पूरे प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं को लगभग 30 लाख रुपए आधुनिक शौचालय के लिए दिए गए थे और इसके तहत नगर पालिका द्वारा आधुनिक शौचालय का निर्माण किया गया था और ये लगभग पिछले 3 महीने से पूर्णतः तैयार होकर ये बंद कर दिया गया था और आज हमने इसका उद्घाटन किया है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।